जोधपुर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कमिश्नरेट के साथ कई थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया है। कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों में आम जन की सुविधा के लिए डोर टू डोर राशन सामग्री, दूध, फल और सब्जी की सप्लाई की जा रही है। जोधपुर के कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया है हमारे सहयोगी शिवप्रकाश पुरोहित ने। जोधपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और आज भी 7 नए कोरोना पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। और जोधपुर में उदय मंदिर और नागौरी गेट थाना क्षेत्र है वह जो है हॉटस्पॉट बन चुका है। यही कारण है कि जोधपुर के 7 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू है। अभी हम खड़े हैं जोधपुर के नई सड़क इलाके के जो सदर बाजार थाना क्षेत्र है उसमें आता है, यहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है। साथ ही सदर कोतवाली है, उदय मंदिर है, प्रताप नगर, देवनगर जो थाना क्षेत्र है वहाँ भी कर्फ्यू लगा है, कुड़ी और बास्ती में भी कर्फ्यू लगा है। प्रशासन का प्रयास है कि लोग घरों में, यही कारण है कि उनके डोर टू डोर सप्लाई की जा रही है। पुलिसकर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ जो है अपने ड्यूटी पर जुटे हुए हैं। उनका भी यह प्रयास है कि लॉकडाउन और कर्फ्यू की पूरी तरह से पालना हो। आने जाने वाले को सभी को समझाइश की जा रही है कि वो अपने घरों में रहें, आवश्यक सामग्री है वो घरों तक पहुंचेगी। हमारे साथ जो पुलिसकर्मी हैं जो 24 आवर्स यहाँ रहकर के अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से लॉकडाउन और कर्फ्यू की पालना के प्रयास किए जा रहे हैं, लोग जो आ रहे हैं उनको कैसे समझाया जा रहा है? लोग बार बार घरों से बाहर कोई सब्जी का बहाना ले रहे हैं, कोई टंकियों का बहाना ले रहे हैं, कोई बीमारी का बहाना लेके आ रहे हैं। उनको बहुत समझा रहे हैं, वापस भेज रहे हैं, तुम्हारा डोर टू डोर घर पे जो सामान चाहिएगा, जो दवाई चाहिएगी घर पे आ जाएगी। फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं, ज़बरदस्ती बाहर आ रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, समझाने का खूब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोग घर में रहने के लिए बहुत बाध्य है। कहीं इनकी समझाइश काम नहीं आती तो कहीं कड़े कदम भी उठा रही पुलिस। ये समझाइश काम नहीं, जो समझाते हैं कड़े कदम तो क्या है उनको, जैसे तैसे के घर में। बाकी हम तो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, लेकिन थाने वाले मुकदमा भी कर रहे हैं, गिरफ्तार भी कर रहे हैं, खूब प्रयास कर रहे हैं। तो पुलिसकर्मी है, उनका ये कहना कि खूब समझाइश की जा रही है। पहला प्रयास ये है कि लोगों को समझाया जाए। और देखिए, सबसे बड़ी बात है 24 आवर्स ड्यूटी देने वाले पुलिसकर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ जुटे हैं। उदय मंदिर थाना क्षेत्र का कांस्टेबल है, वह भी आज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो कहीं ना कहीं अब सभी को हमको समझना होगा, घरों में रहना होगा और घरों में रहकर ही हम इस कोरोना से जीत सकते हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ भी अपील करता है कि सभी लोग अपने घरों में रहें ताकि इस कोरोना की महामारी से हम बच सकें। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए सहयोगी भवानी सिंह के साथ शिवप्रकाश पुरोहित।